ये हमारा लड़के ने थोड़ा इंडोर है, 4 टन का एसी है और ऑन कर दिया। अभी ये टाइमिंग से गया हुआ है, फिल्टर साफ है, फिल्टर इसका साफ है, बाकी थोड़ी देर देखते हैं इसको। ये इसका सेंसर है, कंप्रेसर ऑन होता है तो देखते हैं। अभी हम ऊपर आए तो देखा ये कंप्रेसर तो ऑन हुआ है, बड़ी गंदी हालत में हो रहा है और अभी ये उस्मान इसको चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इंडोर इसका ऑन हुआ है लेकिन जब अभी हम आए थे तो ये आउटडोर ऑफ था। अब इसका ये कवर खोल लें, ये देखें ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया कंप्रेसर का, तो इसका मकसद है कि LPHP से ये कट रहा है, LPHP से ये कट रहा है। ये देखिए आपको आवाज़ आई है, तो ये सिस्टम LPHP लगाओ तो ये इसमें लो प्रेशर स्विच लगा के देखते हैं कि क्या हुआ है। हमने गेज लाइन लगाने की तैयारी शुरू करी है, क्योंकि इसके इशू 2-3 हो सकते हैं कि मौसम के हिसाब से ये गैस बैठती भी है, वो भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब हम इसका कवर हटाते हैं और इसको देखते हैं कि मसला आ कहाँ से रहा। तो हमें जो फॉल्ट नज़र आ रहा है वो ये देखिए, ये होता है टाइमर और ये लगा हुआ है 10 सेकेंड। ये देखिए इसकी रीडिंग के हिसाब से ये S का मकसद सेकंड, M का मकसद मिनट्स और H का मकसद आवर्स। अब ये सेकंड पे हुआ हुआ है और ये 10 सेकंड पे लगा हुआ है, तो ये कंप्रेसर जैसे ही मौसम के हिसाब से लो प्रेशर स्विच हो कम होता है, प्रेशर डाउन होता है, क्योंकि इसमें जो स्विच लगे हुए हैं 50 का लगा हुआ है, ये फौरन ऑफ करके 50 से कम प्रेशर होता है ये ऑफ हो जाता है, तो इसलिए ये फौरन ऑन ऑफ होता है। तो हम इसको बढ़ा देते हैं रीडिंग को ना, ये हमने इसको लेके चले जाते हैं कम से कम 50 सेकेंड, ताकि कंप्रेसर ऑन ऑफ ज़्यादा ना हो और टेम्परेचर एक दफ़ा में सेटिंग पे आ जाए। तो अभी प्रॉपर ऑन है, अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं कि इसकी कहाँ तक आती है और इस टाइम सर्विस की तो ज़रूरत है इसको, लेकिन यहाँ ये अब चल रहा है और इसको एक दफ़ा ऑन ऑफ करके देखते हैं कि ये क्या करता है क्या। ठीक है, इस टाइम ऑन हो चुका है और अब हम ये देखते हैं क्या उस्मान क्या गैस प्रेशर क्या आया, दिखाओ चेक कराओ। ये अब अपने स्टैंडर्ड प्रेशर पे उठ गया और अब आने का सिर्फ इंतजार करते हैं कि ये अब ऑफ ना हो। वर्किंग तो प्रॉपर स्टार्ट कर दिए क्योंकि इशू सारा टाइमर का था, वहाँ से हमने अभी इस कंप्लेन को दी है और ये वापस अपना प्रेशर सेटिंग पे आ गया। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि दोबारा कंप्लेन नहीं आएगी। और अभी से इसी ने प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, ये इसकी कूलिंग टेम्परेचर है और माशाल्लाह से इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है और अभी कूलिंग पर भी है और अभी
इंशाल्लाह वर्किंग करेगा।